नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। 5 विधानसभा में इस बार बहुमत से कमल खिलेगा। अजय शंकर पांडे उर्फ कनक 5 विधानसभा 362। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र से अजय शंकर पांडे उर्फ कनक पांडे दमदारी से टिकट की लाइन में है और जनता ने लोकप्रिय नेता भी है। कनक पांडे की आवाज पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, मेरा यही लक्ष्य कि इस बार बहुमत से 5 विधानसभा में कमल खिले। भारतीय जनता पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं उससे जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन भी करूंगा। जो वर्तमान विधायक रहे हैं वो हमारे यहाँ आज तक नहीं आए हैं, आप उनके लगातार जाते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार 5 से पूरे क्षेत्र में मैं चलने का काम कर रहा हूं, और कोरोना काल में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां मैंने लोगों की सेवा नहीं की है, मदद नहीं की हो। लगभग 2,500 कुंटल से ज़्यादा राशन हमने उस कोरोना काल के उसमें बांटा था टाइम पे, और जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एकदम उस COVID-19 के ज़्यादा पेशेंट आने लगे, तब हम लोगों ने क्षेत्र में जाना बंद किया, और उसके पहले लगातार हम लोगों ने राशन बांटने का काम किया लोगों के बीच में रह के। जी, तो अभी देख रहे हैं फिर से कोरोना काल की स्थिति शुरू होने वाली है, लोगों को जैसे मरीज मिलने लग शुरू हो गए, बलिया में कल 4 मिले हैं, अब स्थिति पुनः आती है तो क्या उसी तरह आपका सेवा भार रहेगा? देखिए, सेवा तो मन से होता है, ये थोड़े होता है कि एक बार हुआ तो सेवा और दूसरी बार हुआ तो नहीं किए। अगर परिस्थिति उस तरीके की उत्पन्न हो जाएगी हमारे क्षेत्र में, तो कितनी भी बार परिस्थिति उत्पन्न हो, लोगों को तो छोड़ा नहीं जा सकता है, और गरीब जनता है तो निश्चित रूप से उनके बीच में जाके काम करना है। जब हम लोग प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं और क्षेत्र की जनता की आस हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से उनके आशा पे खरा उतरना हम लोगों का दायित्व है। क्षेत्र में घूमने के बाद लोगों का ये कहना है, भाई हम पार्टी व्यक्त नहीं हैं, कनक जी को जानते हैं, अगर वो चुनाव मैदान में उतरते हैं, भाजपा से टिकट लेके आते हैं तो ठीक है, निर्दल भी उतरते हैं तभी उनके साथ हैं। देखिए, निर्दल का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, और मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करे, हम लोग पार्टी के साथ में है, पार्टी की सेवा करते हैं। निश्चित रूप से गांव की जनता का विश्वास हम लोगों के ऊपर है, और हम लोग उस तरीके से काम भी करते हैं कि लोगों का विश्वास हम लोगों के ऊपर बना रहे। जी, जिस लोगों का आपके तरह रुझान